सभी लोगों का और स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रयाग पॉइंट पर। दोस्तों आपको बता दें कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है जारी होने की जो डेट थी वो 9 अगस्त थी। तो कल जो है कि इवनिंग टाइम में बहुत सारे बच्चे जो है कि क्वेरी और मैसेज कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि आपके रिज़ल्ट जो है जारी कर दिए जाएंगे, भले ही जो है कि नाइट में जारी किए जाएँ बट रिज़ल्ट आपके जारी हो जाएंगे। उसी तरह हुआ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है कि देख भी लिया, जो एंट्रेंस के रिज़ल्ट आए हुए हैं बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है। उनकी जो है कि मैरिट जो है दिख रही है, मैरिट आपकी दिख रही है, आपकी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं सब्जेक्ट और आपकी डिटेल सारी उसमें आ रही है रिज़ल्ट। तो जो स्टूडेंट्स अभी नहीं देखे हैं या जो वीडियो का इंतजार कर रहे थे उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि रिज़ल्ट जारी हो चुका है। कैसे देखना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। वहाँ आने के बाद जब आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ इस तरह से आइकॉन नीचे दिखाई देगा। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिंक डायरेक्ट, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे है सेट रिज़ल्ट 2023-24, यानी कि ये जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसके रिज़ल्ट का लिंक है। तो सिंपली से आपको क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी गई है, तो आपको सिंपली यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के जो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सिंपल है, रिजल्ट देखना है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी बच्चे देख सकते हैं। तो लिंक नहीं मिल रही थी, लिंक आप लोगों को मिल गई। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर भी चेक कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं एडमिशन को लेकर के, ठीक है, उनके लिए भी देखिए, उनके लिए बता दें कि आपकी जो मैरिट है उसी मैरिट के हिसाब से एडमिशन होंगे। बाय द वे आपको बता दें कि आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर रहना है, लगभग लगभग सभी बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे। अगर मेन कैंपस में नहीं हुए तो इनके पास इनके अफिलेटेड कॉलेज बहुत सारे हैं, जो इनसे जुड़े हुए कॉलेज हैं वो बहुत सारे हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ही, तो वहाँ आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उनकी भी मैरिट लिस्ट जारी होगी, आपको किसके मैरिट जो आपकी मैरिट एंट्रेंस में आई है उसी के बेस पर आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, यानी कि इनके किसी न किसी कॉलेज में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चित होकर रहना है। तो एडमिशन की जो काउंसलिंग डेट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाली डेट में प्रोसेस क्या है उसका, कैसे आपको क्या करना है, सारी चीज़ों की जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट आपको, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम रिजल्ट की हो, चाहे एडमिशन की हो, चाहे जो नोटिफिकेशन हो, आपकी सभी मिलती रहती है। जो बैक फॉर्म है या बैक पेपर जिनका लगता है उनके लिए भी जो भी नोटिस अपडेट आती है आपको मैं जल्द से जल्द देने की और फैक्ट जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज एज यू विश। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, आप सभी लोगों को रिजल्ट के बारे में बताना था जो कि मैंने बता दिया है कि कैसे आपको रिजल्ट आपका चेक करना है, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सेट रिजल्ट है। तो आप लोग चेक कर लीजिए, आपकी मैरिट आपको लग जाएगी, आपको दिख जाएगी, उसके सामने आपको दिखेगा आपकी मैरिट क्या है, ओवरऑल मैरिट आपने कितना गेन किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।